हम लोग घर जा रहे हैं, फिर मिलते हैं घर पे। सारा मतलब पेरेंट्स टीचर मीटिंग हो चुकी है और जो फंक्शन होना था वो भी हो चुका है, मैंने उसका वीडियो शूट किया है, आपको सभी कुछ दिखाएंगे इस वीडियो में। तो ये डांस परफॉर्मेंस पूरा मैं आपको दिखाऊंगी इस वीडियो में, ज़रूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड माय एंड द व्लॉग। तो आज मैं रेडी हो रही हूँ, अभी फ़िलहाल मैं पूरी तरह से रेडी नहीं हुई हूँ। आज मेरे छोटे बेटे का फंक्शन है स्कूल में, छोटा सा फंक्शन है, उसी पर्पज़ से हम लोग को रेडी हो करके मुझे, मेरे हस्बैंड को, क्योंकि जस्ट बिकॉज आज उसका पेरेंट्स टीचर मीटिंग भी है और वो छोटा सा फंक्शन भी है, तो हम लोग को वो अटेंड करने जाना है। तो अभी मैं थोड़ी देर में रेडी हो जाऊंगी और मेरे हस्बैंड भी रेडी हो जाएंगे और हम दोनों साथ में निकलेंगे। मेरा बड़ा बेटा नहीं जा रहा है क्योंकि छुट्टी है, तो उसको सोने का मन कर रहा है, उसकी पेरेंट्स टीचर मीटिंग कल है, तो आज हम लोग निकल रहे हैं। अभी मैं रेडी होकर के फिर आपसे मिलती हूँ थोड़ी ही देर में, तब तक हमारे व्लॉग में बने रहिए और देखिए आज मेरे छोटे बेटे का फंक्शन है, मैं व्लॉग को पूरा शूट करके आपको दिखाऊँगी। फिर मिलती हूँ थोड़ी ही देर में आप लोगों से, तब तक के लिए टाटा। तो गाइस मैं रेडी हो चुकी हूँ पूरी तरह से, अब मैं थोड़ी देर में निकल रही हूँ अपने हस्बैंड के साथ स्कूल अपने बच्चे के, और वहाँ पे फिर फंक्शन है और पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, तो मैं दोनों ही अटेंड करूँगी। मेरा बड़ा बेटा तो जा नहीं रहा, वो मैंने पहले बता रखा था, तो हम लोग अभी बस निकल रहे हैं थोड़ी ही देर में नाश्ता वाश्ता करके, फिर मिलते हैं थोड़ी ही देर में आप लोगों से। तो गाइस अब हम लोग निकलने जा रहे हैं अपने बेटे के फंक्शन में और पेरेंट्स टीचर मीटिंग में, दोनों ही एक साथ हैं, तो बस हम लोग थोड़ी ही देर में निकल रहे हैं। ये अभी चाय पी रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं मतलब, और मैंने फ़िलहाल अभी कुछ नहीं खाया है, मुझे भूख नहीं लगी है, आ करके तब बनाऊँगी तब खाऊँगी, मैंने खाना भी नहीं बनाया आज। हाँ तो फिर मिलते हैं आपसे अपने बेटे के स्कूल में। हम लोग स्कूल आ गए हैं अपने बच्चे के, चलते हैं बच्चे के स्कूल में अंदर और जहाँ पे फंक्शन हो रहा है। घूम कहाँ पे? वो क्या खड़ा है सबसे आगे, वो देखिए इधर सर पे चोटी बांधी है। नहीं तो नहीं है, नहीं वो कहाँ है? वो नहीं है, वो नहीं है। दिख गया दूसरे क्लास। हेलो क्यों क्यूट से सीता मैया आई है। मैम बहुत मेहनत करती हैं भाई रुचि मैम।
झूठा सा बैठिए अपनी जगह। तो फ्रेंड्स ये सबसे आगे जो बच्चा बैठा है वही मेरा सबसे छोटा बेटा है अव्यांश, जिसको हम लोग प्यार से ओम कहते हैं। तो इसका पूरा वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा और कमेंट करिएगा कि इन लोगों ने डांस कैसा किया। तो फ्रेंड जैसा कि आप देख रहे हैं ये मेरा छोटा बेटा है जो स्टेज पे है, उसके साथ उसके सारे क्लासमेट्स हैं। तो ये सारी स्टेज परफॉर्मेंस हो रही है जो मेरा छोटा बेटा दे रहा है और उसके सारे क्लासमेट्स हैं साथ में। तो ये रामायण की कथा पूरी सुनाई जा रही है पूरा ऑडियो के साथ, लेकिन बस मैं आपको ये ऑडियो सुना नहीं सकती जस्ट बिकॉज इसमें आप समझ सकते हैं कॉपीराइट क्लेम हो जाता है। तो जितना भी हो सकता है मैं आपको ये पूरा वीडियो दिखा रही हूँ और मैं सिर्फ बोल सकती हूँ लेकिन ये सॉन्ग आपको नहीं सुना सकती। तो ये रामायण की पूरी कथा बताई गई है इसमें। तो मेरा छोटा बेटा है वो कुश बना है और बगल में उसके लव है और राम जी सीता जी और लक्ष्मण जी ये सभी लोग हैं, पूरे पीछे सभी लोग हैं, हनुमान जी भी हैं, बहुत सारे कैरेक्टर हैं जो रामायण में जिन्होंने रोल प्ले किया था इन बच्चों ने। तो आप इन बच्चों का वो हार्ड वर्क देखिए जो ये लोग अपने डांस के थ्रू आपको दिखा रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा था जब मैं स्कूल में जा कर के ये परफॉर्मेंस पूरा मैंने देखा था, बहुत मज़ा आया था बाय गॉड। लेकिन सॉरी आपको मैं पूरी तरह से ये ऑडियो सुना नहीं सकती, इसलिए उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। जितना हो सकता है मैंने कोशिश की और आपको ये पूरा पूरा वीडियो मैं दिखा रही हूँ और ये पूरा परफॉर्मेंस आप देखिए और कमेंट करिएगा कि छोटे छोटे बच्चों का परफॉर्मेंस आपको कैसा लगा। आगे हमारे व्लॉग में बने रहिए और ये परफॉर्मेंस पूरी एंजॉय करिए और देखिए फ्रेंड्स आप लोग और सभी लोग ज़रूर से ज़रूर लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा। तो फ्रेंड्स ये जो रामायण का है वो एकदम लास्ट सीन चल रहा है, मतलब अब ख़त्म हो चुका है। अब सीता जी वापस आ चुकी हैं राम जी के साथ। तो ये पूरी जो कथा है वो मैं आपको एक गाने के थ्रू सुनाना चाहती थी लेकिन सॉरी मैं नहीं सुना पा रही, तो मैं नहीं सुना पा रही हूँ आपको, उस चीज़ के लिए बहुत बहुत सॉरी। लेकिन फ़िलहाल राम जी सीता जी वापस आ गए हैं और ये पूरा जो परफॉर्मेंस था वो ख़त्म हो चुका है और अब आप आगे देखिए जो व्लॉग में और कुछ है वो आप आगे देखिए और बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये सब। तो फ्रेंड्स देख रहे हैं आप इनको कॉन्ग्रेचुलेशन किस लिए किया जा रहा है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सभी लोगों को नमस्कार। ये बढ़िया है भाई, स्कूल के अंदर ये सेल्फी पॉइंट बना हुआ है, अच्छा लग रहा है। हाँ बढ़िया पॉइंट है ये। सामने सर सामने सुनो। रियल में तो ऐसे कभी हुआ नहीं। हाँ सही कह रहे हो। स्कूल में जब सर्टिफिकेट वो मिलता था डिग्री तो सोचते थे फ्रेंड्स ये कुछ पिक है जो मेरे मतलब और उसे रिपोर्ट कार्ड मिला है वो सब है, उनकी पिक्चर्स की है। ये ओम की फेवरेट टीचर है यानी अव्यांश की फेवरेट टीचर है और ये अव्यांश मेरा मतलब मेरा बेटा जो ओम है उसकी फ्रेंड है, क्लासमेट है, ये भी उसका बेस्ट फ्रेंड है जो राम जी बना है।
खुश है, खुश खुश है। हाँ ठीक ठीक हो गया बेटा। फाइनली गाइस फंक्शन खत्म हो चुका है और हम अपने बेटे को लेकर के अब घर जा रहे हैं। अब हम मतलब मेरे हस्बैंड अब और मैं मेरे मेरा बच्चा छोटू सा मेरा कुश दिखाओ कुश बना था ये कुश है। हम लोग घर जा रहे हैं, फिर मिलते हैं घर पे। सारा मतलब पेरेंट्स टीचर मीटिंग हो चुकी है और जो फंक्शन होना था वो भी हो चुका है। मैंने उसका वीडियो शूट किया है, आपको सभी कुछ दिखाएंगे इस वीडियो में। तो हमारे ब्लॉग में बने रहिए और घर पहुँच के फिर बात करते हैं आपसे। आज पापा क्लिनिक नहीं जाएंगे क्या? बेटा क्लिनिक का टाइम खत्म हो गया ना, रस्टी। तो गाइस घर आ गए हम लोग और ये है मेरे कुश जो बने थे प्ले में और अब देखिए क्या हाल है इनका। आज मम्मा और बाबू ने दोनों एक जैसी लिपस्टिक लगाई है। हेलो बेटू, किसी तो दीजिए। नहीं नहीं नहीं, ओम की पिंक है, आपकी पूरी रेड है। रेड मेरी है, मैंने उतारी नहीं, इसने हल्की सी उतार दिए ना और अभी उतार। तो हम लोग घर पहुंच गए हैं और जा रहे हैं इसको खाना खिलाने। तो ये है इसका खाना और इसको भूख लगी होगी। तो गाइस फिर मिलते हैं आपसे कुछ दिन बाद या एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय सब। शुक्रिया डॉक्टर, शुक्रिया। लगाइए जरा लगाइए। चॉकलेट दूध पहले खोलो ना बेटा, फोटो खींच के देखो। स्माइल, देखो सब खिंचवा रहा है।